और बैटर किस लगे से बॉल सिर्फ हम मुझे तो सिर्फ बॉल मिस करना है, वो मैं करता हूँ। बेसबॉल छठी क्लास से खेल रहा हूँ, तभी इतना नहीं आता था, लेकिन एक सौरभ नाम का लड़का है, मेरे नाम का लड़का है, उस लड़के ने ही विष्णु सर को बताया कि सर ये बॉल अच्छा फेंकता है। हमारे पास कैचर नहीं था, तो एक बच्चा आया, मेरे ही टीम का एक दूसरा बच्चा है, और बोला सर एक लड़का है जो अच्छा खेलता है, तो वो सौरभ को लेकर मेरे पास आया, तो मैंने उसको कैचिंग पे बिठाया। स्लगर स्विंग करने के बाद भी उसके ग्लो में बॉल वही था, तो उससे पता चला कि ये बच्चा टैलेंटेड है। तब मैं कैचिंग ही कर रहा था, पर मेरा एक पिचर था, उसको पिचिंग डालना आता था, स्पीड भी था, पर उसका जोन नहीं था, इसलिए विष्णु सर ने मुझे ट्राई किया, चलो सौरभ को ट्राई करते, उसको पिचिंग पे डालवा दे, कैचर किसी और को तैयार करिए। और ये उसका एक फैक्टर है कि उसका आर्म बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सोचा इस नेचुरल टैलेंट को अगर अच्छी ट्रेनिंग मिली तो और ये अच्छा कर सकता है। उस टाइम में हमें कुछ नहीं मालूम था कि सौरभ आके जाके अच्छा इतना अच्छा पिचर बनेगा, लेकिन जो मेरा डिसीजन था शायद वो अच्छा रहा। सर ने बोला आप आगे जा सकते हो, तो उन्होंने सब मेरा उधर से 9वीं क्लास से डाइट सब चालू किया, और उन्होंने बताया डाइट करो, रेस्ट करो। तो हमारे जो महाराष्ट्र बेसबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, मुझे बुला के बोले कि विष्णु क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हो उस बच्चे को, तो मैंने बोला उसको अभी सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस है, लैडर है, वेट ट्रेनिंग है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे खाने को क्या देते हो, तो मैंने बोला हम जो खाते वही वो खाता है, बाकी कुछ नहीं खाता। तो वो बोले कि अरे ऐसे तो वो मर जाएगा, उसको ट्रेनिंग के साथ साथ उसे अच्छे खाने की भी ज़रूरत है। तो वो बोले ज़्यादा कुछ नहीं, आप उसको एक 250 ग्राम चिकन उसको दे दो, तो प्रोटीन मिलेगा तो अच्छा रहेगा उसके लिए। तो मैंने किसी को हमने हेल्प नहीं मांगी, मैंने खुद ही उसको बोला कि मैं तुझे वो खर्चा दूंगा, मेरे पेमेंट से दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू शुरू कर। उसने भी शुरू किया। मैं लास्ट ईयर से शुगर भी नहीं खाया, मतलब खाने का मन करता है पर डाइट बिगड़ जाता है ना, इसलिए कंट्रोल करता हूँ। डाइट शुरू होने के बाद अभी ये तैयार तो हो गए, लेकिन दुनिया के सामने लाना है इसको। YouTube पे मैं वीडियो देखता था, और वो जाके सौरभ का भी वीडियो बनाता था, घर जाके वो मैं उसका स्क्रीनशॉट निकालता था वीडियोस का। वो किसी का तो अनदर अच्छा वाले MLB या वगैरह का पिक्चर का, और मेरा एनालाइज करते थे, और मेरे वो मिस्टेक बताते थे। उधर से धीरे धीरे मैकेनिक्स, लेग ड्राइव, शोल्डर सेपरेशन सब अच्छा करने लगा। सौरभ पहले से बहुत मतलब ज़्यादा महीने से पूछता रहता है कि भाई मेरा ये कुछ गलत हो रहा है क्या, सेपरेशन हो, फॉलो थ्रू हो, सब मतलब पूछता रहता है। और जो गलतियाँ है तो जो हमारे कोच है विष्णु सर, वो हमारे हर रोज़ गलतियाँ निकालते थे, तो इसलिए इतने सारे गलतियाँ सुधारे। हम सक्सेस भी रहे कुछ हद तक, और अब वो इंडिया का एक वन ऑफ द टॉप पिचर है, उसका अभी स्पीड 90 mph तक है, वेरिएशन भी उसके पास अच्छे है, स्लाइडर भी अच्छा डालता है, फॉर्कबॉल उसका एक कमांडिंग पिच है। पिचिंग करते समय थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है, क्योंकि वो बैटर के पोजीशन से डिसाइड करना पड़ता है। मतलब पहला बॉल फास्ट 90 से डाला, तो फिर कर्व बॉल 80, 75, 85। और जितना मेरे से हो सका था मैंने उसको सिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि उसको मेरे से ज़्यादा अच्छी कोच की ज़रूरत है। तो मैंने एक चीज़ मैंने सोची कि चलो एक वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, देखते हैं क्या होता है। तो वो हमारे पास बुशनेल की गन है, तो उस पर वो 85 mph तक बॉल डालता है, तो वो हमने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर। तो ऑस्ट्रिया से कुछ स्काउट्स है, या USA से स्काउट्स है, इटली से है, डोमिनिकन रिपब्लिक से, तो वो बोले कि ये तो बच्चा बहुत टैलेंट है, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इंडिया में इतना अच्छा बच्चा है, और हम इस बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। और एक इटली के एक कोच है, उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन भी मेजर लीग बेसबॉल के लिए किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अगर डालोगे तो आपको पता चलेगा वो MLB के लिए 2019-20 सीजन के लिए रजिस्टर हो गए। सौरभ को मैंने पहली बार बोला कि तुम्हें बहुत से जगह से इन्विटेशन आ रहा है, तो एक्चुअली वो ही इज़ अ क्वाइट पर्सन, ही विल जस्ट वर्क ऑन हिज एबिलिटीज एंड इन द माउंट ही विल एग्रेसिव। जब पता चला कि ऐसा मैं हो, उधर से मैं प्रैक्टिस भी ज़्यादा चालू की है। पहले 2 घंटे करता था, अब 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे करता हूँ। तो वो उसने अपना एम फिक्स किया कि मुझे बेसबॉल ही खेलना है। इसमें स्कूल का भी अच्छा साथ मिला, स्कूल ने 2017 से उसको सब फीस माफ़ किया, हॉस्टल का फीस या स्कूल का कुछ फीस उसको माफ़ किया। वो बोल रहा है कि मुझे खेलना ही खेलना है मेजर लीग बेसबॉल। अच्छे ट्रेनर के साथ, कोच के साथ काम करने को मिलता है तो मुझे लगता है वो जल्द ही इंडिया का नाम रोशन करेगा और कोई टीम तो उसको साइन करेगी। मेरिट में MLB खेलना और न्यूयॉर्क यांकीज के टीम में इधर इंडिया से फर्स्ट प्लेयर होना उधर।